नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ऑटरिंग। और आज की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर में हम आपके लिए लाए हैं कि भारतीय अमेरिकी नबीला सैयद ने रचा इतिहास। सिर्फ 23 साल की उम्र में जीता चुनाव। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर ली है। उधर मध्यावधि चुनाव में कई भारतवंशियों ने भी झंडे गाड़े हैं। भारतीय मूल के कई अमेरिकियों ने मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल की है और इनमें से एक नाम है नबीला सैयद का। नबीला सैयद ने मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। नबीला सैयद इलिनॉइस महासभा के लिए चुनी गई है। मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल करने वाली वह सबसे कम उम्र की महिला है। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। नबीला सैयद ने खुद ट्वीट कर अपनी जीत की जानकारी दी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, मेरा नाम नबीला सैयद है। मैं एक 23 साल की भारतीय अमेरिकी मुस्लिम महिला हूँ। हमने अभी अभी एक रिपब्लिकन के कब्जे वाले जिले में हुए चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने इसके आगे लिखा, जनवरी में मैं इलिनॉइस महासभा की सबसे कम उम्र की सदस्य बनूंगी। नबीला ने अपने चुनावी सफर को लेकर इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट भी लिखा। इसी नोट में नबीला कहती है, जब मैंने राज्य प्रतिनिधि के लिए घोषणा की तो मैंने इसे लोगों के साथ बातचीत के दौरान अपना मिशन बना लिया, लोगों को लोकतंत्र में शामिल होने कारण देने के लिए और उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले बेहतर नेतृत्व की आशा करने के लिए। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नबीला सैयद ने अपने विरोध खड़े हुए हुए रिपब्लिकन पार्टी के क्रिस बोस को मात देते हुए जीत हासिल की है। नबीला सैयद को 52.3% वोट मिले जबकि क्रिस बोस को 47.7% वोट मिले। इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल ऑटरिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।